गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम डिस्कस करते हैं 22 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो फर्स्ट है, हाई कोर्ट वाज एस्टेब्लिश इन कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास। इन जो हाई कोर्ट एस्टेब्लिश किया गया था बॉम्बे में, कलकत्ता में और मद्रास में, जो कब किया गया था? ये किया गया था 1865 में। तो आंसर हमारा 1865 में एस्टेब्लिश किया गया था। और अकॉर्डिंग टू द इंडियन हाई कोर्ट एक्ट, इंडियन हाई कोर्ट एक्ट, इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861 के थ्रू ये एस्टेब्लिश किया गया था। और किसके द्वारा? क्यून क्यून विक्टोरिया के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था ये हाई कोर्ट। वेन डिड द ब्रिटिश मेक इंग्लिश द मीडियम ऑफ एजुकेशन इन इंडिया? कब जो इंग्लिश एजुकेशन है इसको जो मीडियम बनाया था इन्होंने एस्टेब्लिश यहाँ भारत में, तो कब किया था? 1835 में ये इंग्लिश मीडियम जो है स्टार्ट किया था अंग्रेजों ने भारत में। ड्यूरिंग दो वर्कशिप वाइस राय शिप डिड द हाई कोर्ट केम इन टू एग्जीडेंट एट थ्री प्रेजिडेंट सिटी ऑफ कलकत्ता, मद्रास एंड बॉम्बे। किस उस समय जब कोर्ट, हाई कोर्ट को एस्टेब्लिश किया गया था कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में, तो वाइस राय ऑफ इंडिया कौन थे? तो कौन थे? लॉर्ड जॉन लॉरेंस। जो जॉन लॉरेंस थे उस समय वाइस राय ऑफ इंडिया थे 1865 में, तब ये एस्टेब्लिश किया गया था हाई कोर्ट। हु प्रेजिडेंट ओवर द वेलकम सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1922 में, जो वेलकम सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस में, तो उसके प्रेजिडेंट उस समय कौन थे? तो कौन थे? महात्मा गांधी जी द प्रेजिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस ड्यूरिंग द वेलगाम सेशन। हु गेव द कंसेप्ट ऑफ संपूर्ण क्रांति? जो संपूर्ण क्रांति का कंसेप्ट किसके द्वारा दिया गया था? वो कौन पर्सन थे? जयप्रकाश नारायण के द्वारा संपूर्ण क्रांति का जो कंसेप्ट है ये दिया गया था। हु इज द ऑथर ऑफ नोबल देवदास? जो देवदास नोबल है इसके ऑथर कौन है? तो ऑथर कौन है? शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जी द ऑथर ऑफ नोबल देवदास, जो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा गीतांजलि को लिखा गया है। और बकीम चंद्र चटर्जी, आनंद मठ, आनंद मठ जो है लिखा गया है बकीम चंद्र चटर्जी के द्वारा। और प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा गोदान गवन एंड कर्म भूमि, ये इसके द्वारा बुकें लिखी गई हैं मुंशी प्रेमचंद के द्वारा। तो हमें पूछा है देवदास के कौन ऑथर हैं? शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। विच इज रिगार्डेड द मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन? तो मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन किसे कहा जाता है? वुड डिस्पैच को। तो वुड डिस्पैच ने ये सुजेशन किया था 1854 में, इंग्लिश एजुकेशन है जो इसको इंट्रोड्यूस करने में प्राइमरी स्कूलों में, इसको वर्नी लैंग्वेज, वर्नाकुलर लैंग्वेज प्राइमरी स्कूलों में जो इंग्लिश एजुकेशन शुरुआत किया था, इंट्रोड्यूस किया था वुड डिस्पैच के द्वारा। तो इसको कहते हैं मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन, वुड डिस्पैच को। हु इज नोन एज द नाइट एंगल ऑफ इंडिया? नाइट एंगल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो सरोजिनी नायडू को हम क्या कहते हैं? नाइट एंगल ऑफ इंडिया। तो आंसर हमारा रहा सी। विच वायसराय ऑफ इंडिया यूटिलाइज द फर्स्ट टाइम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एज द बेसिस ऑफ इलेक्शन? इलेक्शन के बेसिस के ऊपर किसने बनाया था सेल्फ, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट? वो कौन से वायसराय थे इंडिया के? तो कौन थे? लॉर्ड रिबन। लॉर्ड रिबन के द्वारा जो है सेल्फ लोकल गवर्नमेंट बनाया गया था ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्शन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? इसमें से करेक्टली मैच कौन सा नहीं है? तो आनंद मठ जो है वकीम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है, और प्रॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया है, अनहैप्पी इंडिया ये लिखा गया है लाला लाजपत राय के द्वारा। तो इंडिया विंस फ्रीडम ये हमारा आंसर रहा। जो इंडिया विंस फ्रीडम है ये मौलाना आजाद के द्वारा लिखा गई बुक है, मौलाना आजाद। और एक बुक है इंडियन
अनरेस्ट, ये किसके द्वारा लिखा गया है? वैलेंटाइन चिरोल के द्वारा। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑन, जो कॉन्स्टिट्यूशन है भारत का संविधान है, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा अडॉप्ट किया गया था, कब किया था? नवंबर 26, 1949 को। ये फोर्स में कब आया था? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में कब आया था? 26 जनवरी 1950 को। द ऑथर ऑफ नील दर्पण वाय, जो नील दर्पण बुक है इसके ऑथर कौन है? दीनबंधु मित्रा जी दा ऑथर ऑफ द बुक नील दर्पण। विद रेफरेंस टू इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स अकोर अर्लिस्ट, जो फ्रीडम स्ट्रगल है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल है, इसमें सबसे पहले जो कौन सा इसमें से मूवमेंट हुआ था, तो कौन सा हुआ था? गांधी इरविन पैक्ट, ये हुआ था 1931 में, और लखनऊ पैक्ट, में, और क्रिप्स मिशन कब हुआ था? 1942 में, और अगस्त आफर कब हुआ था? 1940 में। इसमें हमें अर्लिस्ट पूछा है, तो लखनऊ पैक्ट सबसे पहले हुआ था। आंसर इज बी। हु ऑफ द फॉलोइंग स्टार्टेड द न्यूज पेपर वंदे मातरम, वंदे मातरम में जो न्यूज पेपर है किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? विपिन चंद्र पाल। आंसर इज बी। हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू एस्टेब्लिश इंडिपेंडेंट इंडियन आर्मी आउटसाइड इंडिया, वो कौन से पर्सन थे जिसने एस्टेब्लिश किया था इंडियन आर्मी भारत से बाहर, तो कौन थे? रस बिहारी बोस। जो रस बिहारी बोस हैं, इन्होंने इंडिपेंडेंट इंडियन आर्मी आउटसाइड इंडिया में एस्टेब्लिश किया था सिंगापुर में। द रानी झांसी रेजिमेंट, द वुमेन रेजिमेंट ऑफ आजाद हिंद फौज वाई अंडर दोज कमांड, जो रानी झांसी रेजिमेंट है, जो एक वुमेन का रेजिमेंट है, ये किसके कमांड में इसका एस्टेब्लिश किया था? लक्ष्मी सहगल। इसकी अंडर कमांड थी लक्ष्मी सहगल, रानी झांसी रेजिमेंट की। हु इज द ऑटोबायोग्राफी द इंडियन स्ट्रगल, तो इंडियन स्ट्रगल का ऑटोबायोग्राफी किसकी ऑटोबायोग्राफी है? सुभाष चंद्र बोस की। आंसर इज डी। हु सैड एवरी ब्लो ऑन माई बॉडी विल बी ए नेल इन द कॉफिन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, ये किसने कहा था? किसने कहा था? मेरे शरीर पर लगा हर बार अंग्रेजों के ताबूत में कील साबित होगा, ये किसने कहा था? ये कहा था लाला लाजपत राय ने। इंडियन अनहैप्पी इसकी बुक है, लाला लाजपत राय के द्वारा लिखी गई बुक है इंडियन अनहैप्पी। हु ऑफ द फॉलोइंग टुक द वर्निंग ऑफ द फॉरेन क्लॉथ ड्यूरिंग द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एज इनसेंसिटिव वेस्टीज, जो अवेतु वेस्टीज, ये इनसेंसिटिव वेस्टीज मान के, जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में कौन से ऐसे पर्सन थे जिन्होंने फॉरनर जो गुड्स थी, क्लॉथिस कपड़े थे, उनको सभी को जला दिया था, वो कौन इनसेंसिटिव वेस्ट मान के? तो कौन थे? मोहम्मद अली। मोहम्मद अली ने जो इनसेंसिटिव वेस्ट था इनको मान के जला दिया था फॉरनर क्लोथिस को। नेम ऑफ द पेरियडिकल अमंग द फॉलोइंग पब्लिश्ड बाय महात्मा गांधी ड्यूरिंग हिज स्टे इन साउथ अफ्रीका, जो महात्मा गांधी ने ये पब्लिश किया था जब साउथ अफ्रीका में थे, तो कौन सा उसने न्यूज़पेपर पब्लिश किया था? इंडियन ओपिनियन। आंसर इज डी। टीचर डे सेलिब्रेटेड ऑन द बर्थडे ऑफ, जो टीचर डे है इसको सेलिब्रेट किया था किसके जन्मदिन के ऊपर? एस राधा कृष्ण के ऊपर, इसके इसके बर्थडे के ऊपर टीचर डे को सेलिब्रेट किया जाता है। द नेशनल कैलेंडर विच इज बेस्ड ऑन द शक ईरा वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर, जो नेशनल कैलेंडर है शक ईरा, इसको इंट्रोड्यूस किया गया कौन से सन में किया था? 1957 में। तो आंसर इज ए। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।